नमस्कार, मैं उदयशंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दो महत्वपूर्ण खबरों की। सीएम हेमंत सोरेन को अब 24 तारीख को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। हम आपको बता दें, ये बात अहम इसलिए हो गई है क्योंकि इससे पहले उन्हें 14 अगस्त को बुलाया गया था, सीएम ने जाने से इनकार कर दिया था और ईडी के संबंध को उन्होंने गैरकानूनी बताते हुए अपनी तरफ से ईडी को ये पत्र भी लिखवाया था कि आप इस तरह से पूछताछ के लिए नहीं बुला सकते हैं। लेकिन अब ईडी ने दोबारा उन्हें फिर से 24 तारीख को आने का संबंध दिया है, यानी जाहिर सी बात है एक बार फिर से ईडी और राज्य सरकार के बीच टकराव की स्थिति आती हुई दिखाई दे रही है। ये देखना दिलचस्प होगा कि अब 24 तारीख को सीएम क्या कुछ करते हैं। वहीं दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब अवैध खनन, साहिबगंज में हुए अवैध खनन की जांच सीबीआई करेगी, यानी अवैध खनन के मामले में अब सीबीआई की भी एंट्री हो गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन है, उनसे जानते हैं। मदन, एक तरफ सीबीआई की एंट्री, दूसरी तरफ ईडी अब 24 को पूछताछ करेगी, झारखंड की सियासत के लिए ये इन दोनों बातों को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए, और तीसरा भी एक पक्ष सामने है इसमें। जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी लगातार समन कर रही है, इसी बीच आप देख रहे हैं कि पूर्व सरकार की यानी कि रघुवर सरकार के कार्यकाल में जो 5 मंत्री रहे थे, बीजेपी के 5 विधायकों को वर्तमान में जो है, एक नहीं, लुईस मरांडी फिलहाल अभी वो विधायक नहीं है, लेकिन 4 विधायकों को समन किया, एक ये पी दर्ज कराया गया था जिसमें कि उनके संपत्तियों की जांच होगी। और परसों ही जो बीजेपी के राष्ट्रीय नेता के तौर पर अब जानी जाती हैं और बीजेपी में मुखरता से अपनी बातों को रखने वाली मिस्फिका हसन, वर्तमान में मुखिया भी हैं, उनको भी अब पीई दर्ज कराने, उनके खिलाफ भी आदेश दे दिया गया। यानी कि अब बीजेपी के नेताओं को जो पीई दर्ज कराई गई है, जो संपत्ति की जाँच के आदेश दिए गए हैं, इसको लेकर के भी अब सियासत शुरू हो चुकी है। इसे बीजेपी की तरफ से बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताई जा रही है। वहीं अब महत्वपूर्ण ये हो गया है कि जब ईडी के पहले समन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे और उनके तरफ से पत्र लिखा गया ईडी को कि आप ये जो हमें समन करते हैं वो गैर कानूनी है, पहले भी हमने अपनी सारी बातें जो है रख दी है और इससे जुड़ा हुआ कोई चीज़ें अगर नहीं सामने आया तो फिर आप मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, राज्य सरकार को कामकाज को जो है प्रभावित करना चाहते हैं, इसलिए ये गैर कानूनी है और अगर आप इस समन को वापस नहीं लेते हैं तो फिर कानूनी पहल जो है हम कर सकते हैं। बिल्कुल मदन, इसके साथ उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए थे। उन्होंने ईडी पे ये आरोप लगाया था कि केंद्र के इशारे पर, ये राजनीतिक दल के इशारे पर राजनीतिक विद्वेष का शिकार बनाया जा रहा है। अब ईडी ने दोबारा उन्हें समन भेज दिया है, यानी ईडी के पास पुख्ता वजहें हैं इसके पीछे। अब ईडी अगर ये मामला कोर्ट में जाता है तो वहां भी इस बात पे जीरा हो। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने पत्र लिखकर ये अपनी बात रखी वहाँ पर कि हम कानूनी सलाह भी ले सकते हैं, कानूनी प्रक्रिया में भी जा सकते हैं, तो ऐसे में जब दोबारा उस पत्र के बाद मुख्यमंत्री को समन भेजा गया है तो ईडी के पास भी पुख्ता सबूत होंगे, उसी के आधार पर जो है यह समन जो है दोबारा फिर से भेजा गया है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जो पत्र मुख्यमंत्री के द्वारा लिखा गया था उसमें एक और गंभीर आरोप थे कि केंद्र सरकार पिछले 1 वर्षों से हम पर प्रेशर बना रही है कि हम उनके साथ तालमेल कर लें और नहीं तो फिर केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा हमें डराया धमकाया जा रहा है। तो ये एक तरह से परेशानी है। दूसरी परेशानी ये है कि आप जानते हैं कि ईडी की कार्रवाई पहले 1000 करोड़ के अवैध खनन जो साहिबगंज के क्षेत्र में हुए हैं उसमें चल रही है, कई लोग उस मामले में जेल जा चुके हैं, लेकिन अब उसी मामले को हाईकोर्ट ने, मतलब 1000 करोड़ के जो अवैध खनन उस क्षेत्र से साहिबगंज के इलाके से हुए हैं उसको अब सीबीआई को भी जांच के आदेश दे दिए हैं। तो साहिबगंज के इलाके में अब जांच का जिम्मा जो है सीबीआई के हाथों में भी होगा, तो साहिबगंज के मार्फत झारखंड में एंट्री सीबीआई की भी हो जाएगी। तो ये हम कह सकते हैं कि कई लोगों की मुसीबतें। बिल्कुल, और ये जो हाईकोर्ट का मामला आया है मदन, इस पे हाईकोर्ट ने एक बड़ी दिलचस्प टिप्पणी भी की है कि जैसा मामला दिखाई दे रहा है वैसा मामला है नहीं, क्योंकि जो याचिकाकर्ता थे विजय हांसदा, उन्होंने पहले याचिका डाली और उन्होंने फिर से हस्तक्षेप याचिका डालकर याचिका वो वापस लेना चाह रहे थे, और इस मुद्दे पर अदालत ने कहा है कि याचिका हम वापस नहीं ले सकते और 1 माह के अंदर सीबीआई को रिपोर्ट देने को कहा है। यानी यहां भी कुछ गंभीर बातें जो हाईकोर्ट की नजरों में आई होंगी। देखिए, एक और तथ्य सामने आए हैं, वो हालांकि हमारे पास वो खबर नहीं है लेकिन जो जानकारियां हैं उसके हिसाब से हम बताना चाहते हैं कि ईडी के अधिकारी कोई हाईकोर्ट के बाहर थे जो कि विजय हांसदा को उस लोगों के साथ देखा जो कि इसमें आरोपी हैं। तो कहीं ना कहीं ये संदेह जरूर हो रहा है कि
मामले को जो है रफा दफा करने की कोशिश हुई और इसी पर कोर्ट ने उस याचिका को रद्द करने से इनकार किया और पूरी तरह से सीबीआई को इस मामले की जांच जो है सौंप दी है। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि झारखंड में ईडी इनकम टैक्स के बाद अब सीबीआई की एंट्री भी हो चुकी है, तो ये महत्वपूर्ण होगा कि आखिर इससे पहले भी जब इसी मामले में ईडी के माध्यम से कई लोग जेलों के सलाखों के पीछे चले गए, तो अब जब सीबीआई की एंट्री होगी तो कौन बड़े चेहरे होंगे जो सीबीआई के गिरफ्त में आएंगे, सीबीआई के जद में आएंगे, उसके उनके जांच के जद में आएंगे, तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिर सीबीआई की एंट्री जब हुई है तो आखिर जाँच का दायरा कहाँ तक पहुँचता है और कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं। बिल्कुल, तो झारखंड की सियासत में सीबीआई की एंट्री हो गई है अवैध खनन को लेकर। ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को दूसरी बार सम्मन भेज के 24 तारीख को बुला लिया है और अब हाई कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दे दिया है। वहीं राज्य सरकार ने रघुवर सरकार के 5 पूर्व मंत्रियों के खिलाफ एसीबी जांच के आदेश दिए हैं और बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता मिस्फिका हसन तक के खिलाफ भी एसीबी जांच के आदेश दिए गए हैं। तो देखने वाली बात यह होगी कि जांच के दरमियान क्या कुछ निकल कर आता है और इन जांच के जरिए कौन किसको शह और मात दे पाता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बायोस्कोप। नमस्कार। इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है Complete Solution Institute. यहाँ है Smart Classroom, 1-to-1 Doubt Clearing Session, Ask the Expert, Video Solution और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको Guide, बनेंगे आपके Mentor, Foundation Classes from Class 6 onwards. For your bright future, visit Complete Solution Institute. Ashwell Rus, ये एक ही बॉटल में है। Stress, Weakness, Acidity, Obesity, Hair Fall, Skin की हर परेशानियों का एक ही हल। Ashwell Life, डायबिटीज फ्री लाइफ।